हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल आर के स्टडी टूडे इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ कम्प्रीहेंशन ऑफ अनसिन पैसेज सो लेट्स बिगिन कम्प्रीहेंशन ऑफ अनसिन पैसेज क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो अनसीन पैसेज होता है उसे किस तरह से समझा जाता है और किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है ठीक है तो कंप्रिहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज मीन्स ए कंप्लीट एंड थारो थारो भी कंप्लीट होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज उस पैसेज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए और वो पैसेज हो सकता है किसी भी सोशल इशू पे हो सकता है इन्वामेंटल इशू पे हो सकता है किसी भी इकोनमी पे हो सकता है या कोई भी जनरल uh, इशू हो सकता है वो पैसेज जो है वो हमने पढ़ना है उसे अंडरस्टैंड करना है उसके बाद उन जो क्वेश्चन जो पूछेंगे उन क्वेश्चन का हमने आंसर देना है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्रीहेंशन इसका जो मेन मकसद है इस कम्परी पैसेज के पैसेज का क्या है इज़ टू टेस्ट वंस ability to grasp the meaning of a given passage, grasp पूरी तरह से समझना है उस comprehension का उस passage का जो meaning है उसको पूरी तरह से समझना है uh, and also one's ability to answer in one's own words अपने अल्फाज में उसका आंसर देना है the questions based on the passage ठीक है जो passage दिया गया होगा एग्जाम में उसे हमने पढ़ना है उसे अंडरस्टैंड करना है और जो एंड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का हमने आंसर देना है ठीक है सो so, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं वंस द पैसेज इज क्लियर इट इज़ इजी टू आंसर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस एक बार हमें पैसेज जो है वो क्लियर हो गया अंडरस्टैंड हो गया फुली थारोली उसके बाद जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो आसानी से हम हल कर सकेंगे वन शुड आल्सो कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन सेट ऑन ए गिवन पैसेज तो वो, वो ये पॉइंट्स क्या हैं रीड द पैसेज क्विकली टू हैव सम जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पहले क्या करना पहला पॉइंट उस पैसेज को हमने जल्दी जल्दी से रीड करना है पढ़ना है और उसका जनरल आइडिया जो है वो निकालना है जनरल आइडिया क्या है दूसरा पॉइंट है रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे उस पैसेज को तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने अंडरलाइन कर देना है तीसरा पॉइंट क्या है रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू नो वट हैज बीन आस्ड अब तीसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमने क्वेश्चन जो है वो जो क्वेश्चन एंड पे पूछे गए हैं वो हमने एक बार पढ़ लेने हैं कि और जनरल आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं ठीक है Uh, चौथा पॉइंट है रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन द पोर्शन वेर द प्रोबेबल आंसर्स मे बी अवेलेबल अब अंडरलाइन करना उस पोर्शन को जहां पे संभावित आंसर्स हो सकते हैं उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है यूज एज फा एज पॉसिबल यूर ऑन वर्ड्स टू आंसर द क्वेश्चन इन ए प्रिसाइज एंड ब्रीफ वे मतलब ब्रीफ वे में आंसर हमने उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं ठीक है सिक्स पॉइंट है ऑलवेज यूज़ कम्प्लीट सेंटेंसिस वाइल आंसरिंग ए क्वेश्चन हमेशा पूरे जो हैं जुमले इस्तेमाल करने कम्प्लीट सेंटेंस इस्तेमाल करना इफ़ यू आर आस्ट टू गिव द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर फ्रेजेस ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडिया अगर आपको पूछा गया है किसी मीनिंग ऑफ समर्ड्स कुछ वर्ड्स के अगर मीनिंग पूछे हैं या फ्रेजिज पूछे हैं तो आपने अपने वर्ड्स में अपने आइडियाज में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है इन यूर ओन वर्ड्स एज क्लियर एज पॉसिबल एट पॉइंट है डोंट गिव यर ओन ओपिनियन आर कमेंट्स अबाउट एनीथिंग अनलेस यू आर आस्ट टू डू अपने कमेंट्स और ओपिनियन जो है अपना आइडिया नहीं देना है जब तक पूछा ना जाए ठीक है तो ये पॉइंट्स थे ये हमें माइंड में होने चाहिए जब हम एक अनसिन पैसेज को सॉलू कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक पैसेज है उसको हमने पहले पढ़ना है ठीक है इंडिया इज इन द ग्रिप ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स राइजिंग प्राइसिस इज वन ऑफ दैम द प्राइसिस ऑफ असेंशियल कॉमोडिटीज आर टचिंग स्काईज ठीक है द कॉमन मैन सफरिंग हैव मल्टीप्लाइड बोथ द कॉमन मैन एंड द गवर्नमेंट आर ऑन द क्रॉस रोड्स राइज इन प्राइसिज मस्ट बी चेक्ड होर्डिंग इज द चीफ कॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस तो दो स्टूडेंट्स से काफ़ी इजी पैसेज है तो एक बार में हमने पढ़ लिया इसको अब हम क्या करेंगे इसके जो क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार पढ़ लें इंडिया इज फेसिंग मैनी तो ये जो पॉइंट है ये फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें हमने फिल करना है यहाँ से जो ऊपर दिया गया है पैसेज में ठीक है प्राइस राइज इज ए डैश डैश प्रॉब्लम द मेन काज ऑफ प्राइस राइज इज द प्राइस ऑफ असेंशियल कॉमोडिटीज़ आर द कॉमन मैन एंड द गवर्नमेंट आर ऑन द ठीक है तो यहाँ प्राइस राइज के बारे में बात कर रहा है जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है ठीक है तो जो कॉमोडिटीज़ की जो प्राइसिस हैं वो क्या आसमान छू रही हैं टचिंग स्काइज तो हम हमें ये आइडिया हो गया कि पैसे जो है किस किसके किस चीज़ के बारे में पूछा गया तो अब हम इसको सॉल्व करें इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम्स ठीक है प्राइस राइज इज ए बिग प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक समस्या है द मेन काज ऑफ प्राइस राइज इज होर्डिंग होर्डिंग इज द चीफ काज ऑफ राइज इन प्राइसिज ठीक है होर्डिंग द प्राइस ऑफ असेंशियल कॉमोडिटीज आर टचिंग स्काई ठीक है काफी ईजी है द कॉमन मैन एंड द गवमेंट आर ऑन द क्रॉस रूट्स ठीक है तो इस तरह से ये पैसेज फर्स्ट पैसेज जो है वो सॉल्व हो गया अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ मैन दे गिव स्कूल एंड रिफ्रेशिंग शेड चिल्ड्रन प्ले अराउंड दैम टायर्ड ट्रेवलर्स रेस्ट अंडर दैम ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट है

गिवन कूल एंड रिफ्रेशिंग शेड बाई ट्रीज ठीक है ट्रीज के बारे में है ठीक है ना अराउंड ट्रीज चिल्ड्रन प्ले यहां पर चिल्ड्रन प्ले ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न यहां पर है ना फायरवुड टू बर्न वी बिल्ड हाउसेज विद वुड ठीक है ट्रीज आल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल मेडिसन यहां पे है ना सर्टन ट्रीज प्रोवाइड वैल्यूएबल मेडिसन तो इस तरह से ये जो सेकंड जो पैसेज है वो भी सॉल्व हो गया ठीक है अब है थर्ड पैसेज तो आइए इसको पढ़ते हैं पहले वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर ए नंबर ऑफ डेज बट वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर फॉर ए डे इवन हम जिंदा रह सकते हैं कुछ दिन खाना खाने के बगैर लेकिन पानी के बगैर हम जो हैं वो एक दिन भी नहीं गुजार सकते वाटर इज बेसिस ऑफ ऑल लाइफ क्या है बेसिस ऑफ लाइफ वाटर ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट अनफॉर्चुनेटली वी आर वेस्टिंग एंड पोल्यूटिंग द सोर्स ऑफ लाइफ विद इनक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द कंजम्पशन ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग बट बिसाइड्स कंज्यूमिंग वी आर ऑल्सो वॉशिंग वेस्टिंग वाटर हम क्या कर रहे हैं पानी को बहुत वेस्ट कर रहे हैं जाया कर रहे हैं वी हैव डिस्टर्ब द वाटर साइकिल वाटर साइकिल को हमने डिस्टर्ब कर रखा है वी हैव कट डाउन और फॉरेस्ट वाटर कीप्स अवेपोरेटिंग इन टू द एयर बट वी हैव नो ट्रीज टू ब्रिंग इट बैक एज रेन दिस इज वाई द वाटर लेवल इज सिंकिंग ईयर आफ्टर ईयर वी मस्ट कंजर्व कंजर्व इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शुड नॉट यूज इट फॉर वेस्टफुल पर्पज तो ये एक बार मैंने पढ़ लिया ये पैसेज अब एक बार में ये जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं इनको भी पढ़ लें तो पीपल आर वेस्टिंग एंड पल्यूटिंग देश ऑफ लाइफ ट्रीज हेल्प टू ब्रिंग बैक एपरेटिड वाटर एज द बेसिस ऑफ आर लाइफ इज आवर फोरमोस डिटी इज टू कंजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कटिंग ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट हैबड द ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे तो आइए इसको फिल करते हैं पीपल आर वेस्टिंग एंड पल्यूटिंग सोर्स पल्यूटिंग द सोर्स ऑफ लाइफ यहां पे क्या आएगा यहां पे क्या है सोर्स आएगा सोर्स ऑफ लाइफ ये है सोर्स ऑफ लाइफ ठीक है तो नेक्स्ट है ट्रीज हेल्प टू ब्रिंग बैक अवेपोरेटेड वाटर एज rain it has rain tick the basis of all life is water the basis of all life is the basis of all life is water and water our foremost duty is to conserve every drop of water we must conserve every drop of water cutting of trees forest has disturbed the वाटर साइकिल डिस्टर्ब द वाटर साइकिल तो इस तरह से यह पैसेज भी सॉल्व कर दिया मैंने <tip music>